यदि आप SSC जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की एक प्रोमिनेंट एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बहुत सारी बातें कुरेदने की कोशिश की है एक मेरे साथी से जो वर्तमान में पोस्टेड हैं लेह लद्दाख में एज ए जूनियर इंजीनियर। उनसे पूछा है कि वहाँ पर क्या हाल चाल है, कैसी लाइफ स्टाइल है, कैसा वर्कलोड है, कैसा प्रमोशन है, कितनी सैलरी मिलती है, कब काम करना होता है और बाकी के कैसे हालात हैं, फैमिली लाइफ कैसी है, ऐसी बहुत सारी बातें हमने इसमें डिस्कस की हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए यदि आप बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन में एज ए JN क्या लाइफ है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो बस थोड़ा सा मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, ऑडियो क्वालिटी इतनी प्रॉपर नहीं आ पाई है क्योंकि वहाँ नेटवर्क का बहुत इशू होता है, नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा था कॉल के दौरान, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि आप तक अच्छी जानकारी में पहुँचा पाऊँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। जैसे BRO में पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है वो वाली जगह बताओ पहले। पोस्टिंग एक तो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, सिक्किम, लेह लद्दाख, हाँ ये तो सबसे ज्यादा ज्यादातर मतलब यूनिट इसकी यहीं पे है, बाकी अपने राजस्थान में हाँ और नागालैंड है उधर, मतलब बॉर्डर बॉर्डर हो गया अपना, पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र सारा। ऑफिस का काम देखो पुणे में भी है हमारा, सेंटर पुणे में हमारा सेंटर है, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह जो भी होनी होती है सब वहीं होती है, और दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अच्छा, तो तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी हमारी। कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? हाँ, कितने दिन की ट्रेनिंग होती की? है? 2 महीने दो की महीने ट्रेनिंग। अच्छा, JEE के लिए 2 महीने है। अब ये बताओ तुम कि जैसे मेनली क्या क्या काम होता है, मतलब अपन एज JEE यदि BRO में जाते हैं तो अपना बेसिक काम वहाँ पे क्या क्या होता है? नॉर्मली तो यार बेसिक काम देखो, जैसे पोस्टिंग RCC और BCC दो चीज होती है इसमें, तो RPC में पोस्ट, हाँ RCC मतलब रोड कंस्ट्रक्शन का काम आता है, सिर्फ RCC की फुल फॉर्म ये रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, अच्छा और उसकी BCC की ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी। अच्छा तो दो ब्रिज दो दो पार्ट है BCC में, रोड और ब्रिज के, तो उनके अलग अलग यूनिट है दोनों की। हाँ अच्छा, तो अपना मतलब ये जितने भी कोई रोड वगैरह बनने हैं तो वो अपना काम है RCC वालों का, और ये जो बीच में ब्रिज आएंगे वो BCC वाले बनाएंगे। BCC वाले बनाते हैं। चल ठीक है, अब ये बताओगे कि नॉर्मली वर्कलोड कितना रहने रहता है? का, हाँ वर्कलोड कितना रहता है, मतलब कितना ज्यादा प्रेशर है काम यार का? वर्कलोड तो देखो, जैसे अगर जगह के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में बहुत कम काम है, तो बचा ही कुछ, बहुत कम काम बचा है, नाम मात्र का है। बाकी अपने इधर लेह लद्दाख में आ गए, अरुणाचल में चले गए, या फिर इधर जम्मू साइड में चले जाओ पाकिस्तान बॉर्डर पे, जगह के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ पे काम ज्यादा होगा ना तो वर्कलोड बहुत होता है, ऐसा दिक्कत नहीं। तो फिर कितने घंटे काम करना पड़ता है लगभग? साइट का काम तो वही होता है, लेबर से काम करवाना होता है, जैसे एज ए ठेकेदार मान लो अच्छा, अपन साइट वाला, ठेकेदार तो है। हाँ हाँ एज ए ठेकेदार है साइट पे, तो अच्छा और अच्छा ऑफिस वाला अलग काम है, ऑफिस का डॉक्यूमेंट वाला काम है, वो तो 9 से 5 चलता है। और साइट पे तो जब तक काम चल रहा है जब तक रहना पड़ेगा, साइट, वाली बात है। हाँ साइट पे तो अपने ऊपर डिपेंड है यार, लेबर से कैसे काम करवाना अपन को, नरेगा की तरह है, जैसे नरेगा में नहीं करवाते काम, या तो ठेका दे के करवा लो या फिर वैसे करवा लो दाढ़ी के हिसाब से, पूरा अब बात मैं वही सिस्टम वही होता है साइट पे तो। JEE का नरेगा वाला JEE है ना, कि एबसेंट प्रेजेंट लेना हाँ, वो हाजिरी वगैरह उनकी लेना फॉर्म, है, तो इसके कॉन्ट्रैक्टर के हाँ थ्रू होता है काम या अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं? कॉन्ट्रेक्टर भी होता है, लेकिन कॉन्ट्रेक्टर का काम होता है ना, वो तो पूरा अपने JEE के लेवल का कुछ नहीं है उसमें, वो सीधा कमांडर और चीफ इंजीनियर है ना, वो ही हायर करते हैं कॉन्ट्रेक्टर को, तो अच्छा, तो फिर उसमें अब अपना कोई रोल ही नहीं रहता? रोल रहता है, अपन काम करवाएंगे यहाँ पर साइड पे खड़े रह के, बस देखेंगे आओ उसमें कॉन्ट्रेक्टर कर रहा है जो क्वालिटी सही दे रहा है नहीं दे आओ, रहा। जनरली जहाँ और उस तरह का काम होता है वो वाली बात हो गई वो तो। हाँ वही हो गया, अच्छा, बाकी और ज्यादातर अदरवाइज भी अपने डिपार्टमेंटली होता है। डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्हीं से काम करवाना है। हाँ चलो, अब ये सैलरी का भी बताओ कुछ, कि जैसे शुरू शुरू में कितनी सैलरी तो सैलरी 42 रुपए मिलती है, ग्रेड है, और उसके अलावा कुछ भत्ते अलाउंस या एक्स्ट्रा क्या है वैसे उधर? यार देखो IELTS में पोस्टिंग है तो किसी अलाउंस वगैरह लगा के 50 के आसपास हो जाती है, तो हायर एल्टीट्यूड का कितना मतलब वो मिलता है अलाउंस, अपन बात करें? अभी तो मैं बताऊँ ना काफी सारे अलाउंस मिलते हैं हमको, अभी मेरी 54,000 सैलरी आ रही है, हाँ, कितने दिन हुए जॉब करते हुए? अच्छा, मेरे को हो गए 2 साल हो गए। 2 साल कंप्लीट हुए, 54,000 इन एंड सैलरी है, इन एंड है ना?
4200 ग्रेड है ना, तो 45 से 50 का मिनिमम है ये, 45 के ऊपर ही मिलेगी, कहीं भी पोस्टिंग हो 45 तो मिलेगी वो तो मिलेगी। मिलेगी। फिर वो एल्टीट्यूड का हाइट के हिसाब से भी वो मतलब अलाउंस चेंज होता है क्या? हाई एल टी का अलाउंस चेंज होता है, हाई एल टी में 1-2 अलाउंस पड़ जाते हैं, 4-5 हज़ार रुपये का फर्क पड़ता है। अच्छा, तो जैसे मान लो अभी तुम 3,000 एल्टीट्यूड पे काम कर रहे हो और एक बंदा है जो 5,000 एल्टीट्यूड पे काम कर रहा है, तो उन दोनों में फर्क होगा? होता है भाई, एक होता है कि 10,000 या 12,000 फीट हाँ, उसके आसपास है, 2700 रुपये मिलते हैं, और 12 उससे ऊपर वाले पे 4100 रुपये। अब नॉर्मल सी चीजें जैसे कि मान लो अपन वहाँ रह रहे हो इतनी दूर हायर एल्टीट्यूड में, अपन नॉर्मल यहाँ प्लेन धरती से जाते हैं एकदम बिल्कुल समतल यहाँ पे सब है, वहाँ जाओ एकदम पहाड़ी पहाड़ वगैरह, तो खाने में, रहने में, घर आने जाने में, काम के दौरान मतलब यार कितनी देख, ऐसी समस्याओं का कोई सामना करना पड़ता है? दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत, जैसे जैसे भी हम भी पोस्टिंग आए थे, स्टार्टिंग में लेने ही आए थे हम भी, तो आते हैं हमें पहले तो 7-8 दिन का वो होता है, यहाँ पे भी मेडिकल होता है, फिर उसको क्लाइमेट के हिसाब से क्लाइमेटेशन करवाते हैं, सब कुछ चेक होता है, बीपी वगैरह ज्यादा आ रहा है क्या है, बंदा ऊपर जाने के लिए फिट है नहीं है, अच्छा, अगर कोई बंदा फिट नहीं है तो उसको LMC करके वापस नीचे भेज देते हैं, कहीं भी दूसरी जगह पोस्टिंग कर देते हैं। तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मान लो वहाँ कोई कंफर्टेबल नहीं है तो उसको कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग दे देंगे? हाँ मतलब इतना डरने वाली भी बात नहीं है कि मैं ले में जा रहा हूँ, वहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो और फिर खाना वगैरह खाना मैस होता है अपना, तो जनरल जो अपन घर पे खाते हैं वो सब मिल जाता है उधर? हाँ सारी चीजें मिलती हैं भाई, अभी जैसे सर्दियों में जरूर थोड़ी दिक्कत आती है, यहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाता है ना, हाँ, तो सब्जी वगैरह आ नहीं पाती, तो थोड़ी दिक्कत होती है सर्दियों में। सर्दियों में दिक्कत है, गर्मी में कोई टेंशन नहीं है? हाँ सीजन के टाइम में जैसे रहता है, अप्रैल से लगा लो नवंबर तक बढ़िया चलता और घर आना जाना मतलब कितने एक दिन में हो जाता है? है, बाकी खाना वाना सब मैच में है, सब कुछ फ्री है, खाना वाना कुछ पैसा वैसा है अच्छा, खाना नहीं, फ्री है सब फ्री है, रहना वरना खाना सब। तो घर आना मतलब कितने एक दिन में घर आना जाना हो जाता है? अगर कहीं पे ज्यादा जेई है ना कोई डिपार्टमेंट में, मतलब जैसे भी कोई ऑफिस में, तो छुट्टी की कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब कितनी और छुट्टी मिल जाती है साल भर सबसे में? बड़ी बात यार, सबसे बड़ी बात होती है आपका व्यवहार, देखो शाम अगर साथ वाले जेई से व्यवहार बना के रख रहे हो तो छुट्टी में कोई दिक्कत नहीं होती, एक बार वो जाएगा एक बार तुम जाओ, तो तुम साल में कितने एक बार आ जाते हो? साल में 96 छुट्टी मिलती है। 96 तो ऑफिशियल छुट्टी है। साठ EL मिलती है, 15 CL मिलती है, 2 RH और 20 मेडिकल, तो इन सबको एक साथ मतलब चाहो तो एक बार में ले सकते हैं? EL एक साथ ले सकते हो, RH ले सकते हो, और HPL, CL और EL एक साथ नहीं और मिलेंगे, फिर आने जाने का जो खर्चा वगैरह होता है वो साल में एक बार ट्रेवलिंग अलाउंस, घर तक आने का? हाँ साल में एक बार सेकंड क्लास का। अपने CSD कैंटीन वाली फैसिलिटी भी मिलती है क्या? हाँ, कैंटीन फैसिलिटी है, दोनों लिक्वर और वो ग्रोसरी कार्ड दोनों मिलते हैं। अच्छा, लिकर भी सही है। बाकी हाँ अब प्रमोशन प्रमोशन का बताओ, जैसे मान लो JEN कोई लगे तो उसके कितने प्रमोशन होते हैं, में कितने थोड़ा साल? टाइम लगेगा यार, प्रमोशन में टाइम लगेगा, कम से कम 7 से 8 साल मिनिमम, नहीं तो 10 साल भी लग सकते हैं। ये तो JEE to AE बनने में? हाँ JEE से AE बनने में, ओके, फिर AE के बाद? 8-10 साल मिनिमम है। अपने BRO में जो भी JEN है उनको यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है कोई, यूनिफॉर्म होती है, मतलब आम फौजियों जैसी या ये फिर थोड़ा अलग? जैसे अपनी पुलिस वाली यूनिफॉर्म है ना वैसी होती अच्छा, ऐसा इंटरेस्टिंग कोई घटना या कोई ऐसा वाक्या कि जो मतलब वास्तव में जो कैंडिडेट हैं तैयारी कर रहे हैं उनको बताने लायक, कुछ काम के दौरान या कहीं भी मतलब नौकरी के दौरान, है यार। इंटरेस्टिंग तो क्या है, मतलब कुछ भी पहाड़ों में? तो एक तो चैलेंजिंग जॉब होती होगी मेरे हिसाब से, कि भाई मतलब आम आदमी ने कल्पना नहीं की हो सकता ऐसी कंडीशन में काम करना नहीं पड़ता है। ऐसे तो इंटरेस्टिंग है, देख ऐसी जगह मिलती है जैसे पोस्टिंग तो, कि दुनिया पैसे देते के घूमने आओ, हाँ, वहाँ तो घूमने जाते हैं लोग तो, है ना? और रहने खाने की भी दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी बात सिर्फ डिपार्टमेंट में एक ही प्रॉब्लम है कि शादी के बाद फैमिली लाइफ उतनी अच्छी नहीं है बस, हाँ वही है, मतलब बाल बच्चों के समेत रहना चाहो मतलब तो 10 मान ले कि पूरी लाइफ में 70 से 80% फैमिली नहीं रख सकता,
20% चांस है जहाँ अच्छी पोस्टिंग मिल गई वहां रख सकता है बंदा। आपने JEE की पोस्ट से यदि अपन बात कर रहे थे ना, अच्छा सिविल के अलावा और भी कोई ब्रांचेज होती हैं जो उनका मतलब यहाँ काम रहता है? इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले भी आते हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले भी, चलो सही है। ये मैं क्या कि बहुत सारे लोग इसको सुनेंगे तो तुम्हें पता नहीं बैकग्राउंड में बैठ के थैंक यू भी बोल रहे होंगे कि यार तुमने बहुत भाई बहुत सारी बातें बता दी ठीक है है ना। भाई, चलो थैंक यू। ठीक है भाई।